बिहार में आगजनी से आवागमन ठप, आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार का विरोध, कई जगह रोकी ट्रेन। आरजेडी ने बुलाया बिहार बंद, बंद के दौरान पुलिस कर्मियों पर किया पथराव, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 22 से अधिक नेताओं पर मुकदमा दर्ज। बाद के कोयलांचल में नहीं दिखा बंद का असर, हाईवे से लेकर जनजीवन रहा सामान्य, आम लोगों को नहीं हुई कोई परेशानी। बगहा में वीआईपी न्यूज की खबर का हुआ असर, दुष्कर्म के बाद युवती के हत्या मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपियों ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत बंद का असर दिखा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत बंद का असर दिखा है, सड़क पर उतरे आरजेडी और जाप कार्यकर्ता। तो सड़क पर आरजेडी और जाप कार्यकर्ता उतरे हैं, पुलिस और बंद समर्थकों के बीच हुई झड़प, हिरासत में लिए गए जाप कार्यकर्ता। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत बंद का असर दिखा है, सड़क पर आरजेडी और जाप के कार्यकर्ता उतरे हैं और पुलिस और बंद समर्थकों के बीच झड़प हुई है और हिरासत में जाप के कार्यकर्ता लिए गए हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ता और जाप कार्यकर्ता उतरे हैं और पुलिस और इनके बीच में झड़प भी हुई है और झड़प के बाद हिरासत में जाप कार्यकर्ताओं को लिया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए जाप कार्यकर्ता। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक, भारत बंद का असर दिख रहा है और पुलिस और समर्थकों के बीच में झड़प भी हुई है। देखिए, आज भारत बंद जो था किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान था, लेकिन जैसे ही कल राष्ट्रीय जनता दल ने इसका आह्वान जो विधानसभा की घटना को लेकर इस मामले को अपनी समर्थन दिया और आज राजद ने भी बंद रखा, उसके बाद ये थोड़ा सा बंद का ज्यादा व्यापक असर दिखा। हालांकि 12 बजे तक पटना की, अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो 12 बजे तक तमाम इलाकों में जो रोड कम्युनिकेशन थी, रोड जो है ट्रैफिक चल रही थी और आवाजाही शुरू थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे के करीब तमाम जगहों पर वाम दल के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सड़कों पर हैं, लेकिन जाप के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतर गए हैं। तो देखिए, कई जगह पर पुलिस के साथ थोड़ी बहुत एक तरह से कहा जाए कि जाप कार्यकर्ताओं की एक हल्की सी झड़प भी हुई है और कई जाप कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन इस वक्त की अगर बात की जाए निजायत, तो इस वक्त हम पटना के हार्ट यानी डाक बंगला चौराहे पर है और डाक बंगला चौराहे में कोई भी एजिटेशन होता है तो वो एक जगह है जहाँ पर सभी बड़े नेता इकट्ठे होते हैं। इस वक्त जाप डाक बंगला चौराहे की स्थिति है कि वाम दल के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से पूरी तरह से डाक बंगला को कब्जा कर लिया है। हालांकि पहले वाली स्थिति नहीं है, ट्रैफिक भी हल्की हल्की निकल रही है, लेकिन वाम दल के कार्यकर्ता और कुछ राजद के कार्यकर्ता इस वक्त डाक बंगला चौराहे पर है। तो कहीं ना कहीं इसका आंशिक या मिला जुला सब कह सकते हैं कि इस बंद का हुआ है आज बिहार में। और चूंकि ये किसानों के मामले को लेकर जहाँ वाम दलों ने बुलाया था इस बंद को, लेकिन जैसे ही राजद की कल एंट्री हुई इसमें और विधानसभा के मुद्दा आया है तो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक की जाएंगी। तो आज पटना के इर्द गिर्द की बात की जाए तो बाईपास को जाम किया गया है। सुबह से ही जाप कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र नगर और गांधी मैदान के पास जाम लगाने की कोशिश की थी। और जहां पूरे बिहार की बात की जाए तो राजद कार्यकर्ताओं ने कई जगह हाईवे बंद किए हैं, सड़कें बंद की हैं और लोगों को कहीं ना कहीं आवागमन में मुश्किल हो रही है। नियाज जी, शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर इस वक्त के हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि हजारीबाग भारत बंद का
असर देखने को मिला है। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां भारत बंद का असर दिखा है। कृषि कानून को वापस लेने की प्रदर्शनकारियों द्वारा मांग की जा रही है। सीपीआई और आरजेडी कार्यकर्ता कर रहे हैं बंद का समर्थन। तो सीपीआई और आरजेडी कार्यकर्ता बंद का समर्थन कर रहे हैं। NH 33 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक को जाम किया गया है। तो हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आशीष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, हजारीबाग में भी बंद का असर देखने को मिला है। जी बताना चाहूंगा कि किसान विरोधी को लेकर बिल को लेकर जो है कि पूरे भारत में बंद का असर देखा जा रहा है, वहीं इसका असर झारखंड के हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है, जहां सीपीआई और आरजेडी के जो लोग हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। NH 33 में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक है उसको जाम कर दिया, उनके कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं और वहीं गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो लग चुकी है। जी जी, ये बंदी का असर कितना है वहां पे, कितना देखने को मिल रहा है? अगर हम लोग भारत बंद की बात कर रहे हैं तो क्योंकि जो शहर की जो दुकानें होती हैं वो खुली हुई हैं, केवल इसका असर NH 33 से पड़ा है, वो भी जो शहर के जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर है, जो वहां से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती है वो मुख्य जाम है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक जो मुख्य चौक शहर का है वो वहां पर लोगों ने जाम किया है। जी, तो सीपीआई और आरजेडी के अलावा भी कोई राजनीतिक पार्टी इस बंद का समर्थन कर रही है वहां पे? अभी तक वो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सीपीआई के जो राष्ट्र सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता है वो खुद जमे हुए हैं, उनके साथ आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष है यहाँ पर संजय मलिक, उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं। इनके अलावा कोई भी राजनीतिक दल के लोग वहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं किसान संगठनों के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ता और अन्य विरोधी दलों के समर्थक सड़कों पर उतरकर यातायात बाधित करने में जुटे हैं। बिहार शरीफ जिले में विधानसभा में विधायकों से अभद्र व्यवहार और नए कृषि कानून के विरोध में दीपनगर के पीपल पर पास जाम और आगजनी कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खदेड़ दिया है। कई आरजेडी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, दो वाहन भी जब्त किए हैं। आगजनी पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया है। देवीसराय चौक को आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है, जिससे पटना रांची मेन रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। अब धीरे धीरे भारत बंद का अखाड़ा बनता जा रहा है, ये सियासत तेज होती जा रही है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त एकजुट है और पुलिस प्रशासन उनको हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस के जो बल हैं वो बुलाए गए हैं साफ तौर पर, और यहाँ से अब हटने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो प्रदर्शन खत्म हो। लेकिन जो नेता हैं जो प्रदर्शन करने आए हैं वो इस वक्त अड़े हुए हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि हम इस बंद को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और तब तक बंद करेंगे जब तक सरकार इस बिल को काले कानून को वापस नहीं ले लेती। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन है, और प्रदर्शन के में पुलिस बल जो है वो इस वक्त मौजूद है और लगातार उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जानते हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो नेता है लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये साफ तौर पे अड़े हुए हैं। इन्होंने लगातार देखिए जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं ये अब मौके पे मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि अब हटाने की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर काफ़ी तेज होता जा रहा है और पुलिस बल के जो जवान हैं वो लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से भारत बंद के बीच आम आवागमन को सुचारू रूप से जारी किया जाए। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम।
वहीं राजनीतिक दलों ने भी सड़कों पर उतरकर भारत बंद का समर्थन करते हुए मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। और बेरोजगारी को लेकर भारत बंद है, बिहार में बंदी का साफ तौर पर असर दिखने लगा है। डाकबंगला चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि गांधी मैदान से आने वाले तमाम रास्तों को भारत बंद के बैनर से बंद कर दिया गया है। जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए हैं। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का बैनर लेके नेताजी खड़े हैं। ये बताइए काहे का बंद है आज? अहरी बहरी गूंगी सरकार के चलते बंद है। काला कानून ला रहे हैं, इसके विरोध में 19 लाख रोजगार देने के वादा किए थे उसके विपक्ष में सरकार मनमानी कर रही है, किसानों के मार रही है, नौजवानों सब बेरोजगार हो गया। 19 लाख नौकरी कहाँ गया इनका? अच्छा। कहाँ गया? वादा किए आज तक साल भर अब होने जा रहा है, कुछ कोई समाचार नहीं, कुछ न्यूज नहीं कि बच्चों के कोई भविष्य खिलवाड़ करना। तो देखिए दूसरी तरफ नारेबाजी चल रही है। RJD के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है बेरोजगारी का मुद्दा है और RJD के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। आज़ाद गांधी जी हैं, इनसे जानेंगे। आज़ाद जी, ये बताइए लगातार बंद हो रहा है, आज भी बंद, कितना असर दिख रहा है आपको बंद? देखिए पूरे बिहार के 38 जिला का जनता का समर्थन लालू यादव जी को प्राप्त है, तेजस्वी यादव जी को प्राप्त है। आज देख रहे हैं जो बिहार की जो हालात बद से बदतर, जो यह सरकार चाह रही है ऐसा हिटलर भी अपने शासन काल में नहीं किया था जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करता है विधायक, और देखिए वहाँ जो विधानसभा में जो यह बिल वापस लिया जा रहा था, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। यह बिल जो है राजहित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए, सदन में नहीं लाइए। और इसके चलते नीतीश कुमार जी ने बाहरी शक्ति को बुला करके पुलिस बल को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक जो लाठियां चलाई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, इसलिए हम लोग इस घटना से काफ़ी मर्माहित है और हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की हिटलर शाही को हम लोग ख़त्म करेंगे। देखा साफ तौर पे आज़ाद गांधी है ये मान रहे हैं कि इस बिल को लेकर के सरकार के खिलाफ जो आम लोगों में नाराज़गी है, किसानों में नाराज़गी है, यही वजह है कि ये आज सड़क पर उतरे हैं बिहार बंद को सफल बनाने के लिए। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज। वहीं बिहार में भारत बंद का असर खासा देखने को मिल रहा है, इसी विषय पर RJD प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से चर्चा की हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। चौराहे पर बंद की तस्वीर और पूरी हकीकत से रूबरू कराते हैं राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी, ये बताए कितना सक्सेसफुल रहा और क्या? पूरा ऐतिहासिक अभूतपूर्व है, बिहार ने ऐसा बंद न कभी देखा था न कभी देखा है। लोकतंत्र के मंदिर में जनता के प्रतिनिधियों को लात जूतों से पीटा गया, इसका मतलब है सीधे जनता पर लात जूता चलाया नीतीश कुमार जी के गुंडे पुलिस ने। इस अपमान का बदला लेने के लिए आज जनता खुद बंद में शरीक है, यही इस बंद की सफलता की गारंटी है कि जनता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर समर्थन में खड़ी है। और महंगाई हो, किसान का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, ये सारे मुद्दे को लेकर के बंद बुलाई गई थी, आज पूरी तरह से बंद सफल है। तो देखा आपने साफ तौर पे राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बंद को सफल बनाने में आम जनता का भी सहयोग रहा और यही कारण है कि बंद को ये सफल बता रहे हैं। सहयोगी ऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। मोटे मोटे अक्षर में बैनर के ऊपर भारत बंद 26 मार्च 2021 ये तस्वीर आज की है और आज डाकबंगला चौराहा का नज़ारा क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए डाकबंगला चौराहे से तमाम वो रास्ते जो पट्टा की सड़कों से होकर गुजरते हैं अभी वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। भारत बंद अलग अलग मुद्दों पर है, कृषि विरोध में, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सुरक्षाकर्मी लगे हैं ताकि जल्द से जल्द इस बंद को हटाया जा सके। एक दूसरे को समझाने और बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि बात मान ली जाए और बंद को
हटाया जाए, क्योंकि इससे आम जनजीवन परेशान होता है। आइए हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो कुछ अनोखे अंदाज में, अनूठी अंदाज में है। टमटम की तस्वीर देखिए, ये टमटम आरजेडी के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, घोड़े के माथे पर भी राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा है। और ये झंडा ये बताने के लिए है कि टमटम आम लोगों की सवारी अभी तो है नहीं, लेकिन प्रदर्शन के लिए एक अच्छा माध्यम है, जनता को बताने का, संदेश देने का, ताकि इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ सरकार वापस ले। प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अंदाज है, कोई पैदल चल रहा है, कोई हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए है, तो कोई झंडा ले करके खड़ा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो कल के डेट में प्याज भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं मिलेगा, पानी पीने देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि राजद के बहुत कम लोग पहुंचे हैं। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय के घर में कल कैसा दुखद घटना घट चुका है। मैं तो बता रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जो आज घोड़े को चारा मिल रहा है, ये चारा भी नहीं मिलेगा। और ये हमारे माध्यम से आज ये बेचारा टमटम वाले आ रहे हैं, इनको दो पैसा मिलेगा तो आज अपने थाली में रोटी खाएंगे। एकदम 100% पूर्ण रूप से बिहार बंद है, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग क्या कहते हैं बिहार बंद कराएंगे। और जिनको जरूरी है, किनको इमरजेंसी है, उनको कोई तरह का रोक टोक नहीं होगा, वो जहाँ जाना चाहते हो जाएंगे। साफ तौर पर अलग अलग प्रदर्शन का तरीका है, कोई टमटम से है, कोई पैदल है, लेकिन विरोध सरकार के खिलाफ है। और ये सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस कृषि बिल को वापस नहीं ले लेती है। बहरहाल सरकार क्या करेगी ये सरकार जाने, लेकिन राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन का दौर जारी है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम। वहीं झारखंड के कई जिलों के होमगार्ड जवान आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी विभिन्न मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्होंने विधानसभा के समक्ष धरना दिया था और सरकार से गुहार लगाई थी कि इनकी मांगे पूरी की जाए, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, जिसके कारण अब ये उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने रोड भी जाम कर दिया है। वहीं बगहा के धनहा थाना में होली और शबे बारात को लेकर थाना प्रभारी मुन्ना कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें डीजे बजाने, भीड़ भाड़ इकट्ठा करने और साथ ही हुड़दंग मचाने सहित होलिका दहन पर भी रोक लगाई गई है। वहीं कोरोना को लेकर मास्क लगाने और दूरी बढ़ाने के साथ साथ शांतिपूर्ण सामाजिक सौहार्द और पारंपरिक तरीके से होली और शबे बारात मनाने की अपील की गई। सम्मानित लोगों से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, जैसे हम आपस में एक साथ की राय मशवरा के लिए अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, जैसे हम आपस में एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर
एक हम दूसरे क्षेत्र को इस प्रदेश को इस जिले का माने जिले को अपने प्रखंड के अंदर से संदेश दे कि राज मसौदा के लिए अपने क्षेत्र के। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना परिसर में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं, दंडाधिकारी सीओ सह एसएचओ के देखरेख में 653 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद की गई है। दंडाधिकारी सह सीओ और प्रशिक्षु डीएसपी सह एसएचओ ने बताया कि डीएम के निर्देश के आलोक में 425 लीटर देसी और 228 लीटर विदेशी सहित कुल 653 लीटर देसी विदेशी शराब को विनष्ट किया गया है। मौके पर पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह, एसआई सदन राम सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। तरीके से देसी विदेशी शराब को बरामद किया गया है और उसे नष्ट किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से देसी विदेशी शराब को बरामद किया गया है और उनसे प्रशासन द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तो जेसीबी मशीन से गड्ढा किया गया है और उस गड्ढे में देसी विदेशी शराब जो बरामद किए गए हैं उसको नष्ट किया जा रहा है। तो मधुबनी के बेनीपट्टी थाना परिसर में जिलाधिकारी के निर्देश दिए गए और उस मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और शराब को बरामद करके नष्ट किया गया। वहीं रांची में आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सहजानंद चौक और मुक्ति धाम के बीच अज्ञात अपराधियों ने सोना व्यापारी से लगभग आधा किलो सोना लूटकर फरार हो गए। सोने की कीमत लगभग 20 लाख बताई जा रही है। व्यापारी कोलकाता से सोना लेकर रांची पहुंचा था। इस घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। हाँ। सर कोलकाता से हम लोग आ रहे हैं। हाँ। सामान बनने के लिए हम लोग दिए थे। हाँ। ज्वेलरी बनने के लिए दिए थे, उसी को लाने के लिए हम लोग आए हुए थे। हाँ। सहजानंद होते हुए हम लोग अपना हरमू विद्यानगर के लिए आ रहे थे। उसी क्रम में तीन बदमाशों ने जो पल्सर गाड़ी से वो आए और पिस्टल माथा पर लगा दिए। और यह क्रम में बेग दे करने लग गया कि सामान बैग छीना और वो निकल। वही राजधानी से सटे बिहटा में बीते दिनों पहले मखदूमपुर से अपहरित दो लोगों के अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद हत्या कर दी और उसके शव को बोरा में डालकर फेंक दिया था। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला यह सर था कि हमें बांट के दे दिए थे। यहाँ मखदूमपुर में घर बनाया था सर, गांव से बाहर बना रहा था, हमें बांट के दे दिए थे। वो भी मैं मतलब ये किया था, घर बनाने थोड़ा सा सहयोग भी किए थे सर। आई बच्चा से रोज घर आता था, दादा दादी लोग मना करते थे बार बार कि यहाँ पुरनका घर में आने जाने के लिए कोई अथी मत करो, जिसको वहाँ रुपरपुर मिला हुआ है। बच्चे का हत्या करने के कारण है हिंसा के लिए। जो दो भाई है, एक माँ है, उसकी माँ पहले दिन थाना ने उसको गिरफ्तार कर लिया। थाना ने कुछ सुनवाई नहीं किया, उससे पूछताछ नहीं किया,
दो तीन दिन हो गया, उसके बाद ये लड़का को दोनों लोग को मार के कहीं जंगल में बिक दिया लोग। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे उसको फांसी तक ले पहुंचाया जाए। तो राजधानी से सटे बेहटा में बीते तीन दिनों पहले मखदूमपुर से अपहरित दो लोगों की अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरा में डालकर फेंक दिया था। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है। तो आरोपियों से शव को बोरे में डालकर फेंका था और पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है और मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।